जय श्री कृष्णा, मैं नथमल जी सत्यनारायण जी की बहू बोल रही हूँ। तो हम नारायण से यही कृपा है कि लास्ट टाइम हम लोग 2 साल कोरोना की वजह से गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से नहीं मना सके, इसलिए भगवान हमारी सबकी सुन ली है और हम आगे भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अब ये जो कोरोना है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और सब साल जो आया हर साल इसी तरह गणपति बप्पा हमारे सब घरों में ऐसे अच्छे से रहे। गणपति बप्पा जय, बोलो गणेश महाराज की जय। नमस्कार सभी को, मेरी तरफ से प्रणाम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रमोद सारडा है। हम ये त्यौहार हर साल मनाते हैं, पर कुछ कारणवश जो कोविड आया था पिछले साल, उस वजह से हम लोग ये त्यौहार धूमधाम से नहीं मना सके, लेकिन गणपति पप्पा की कृपा हम सब पर हुई और हम सब लोग मिलकर इस बार हमने इस 10 दिन के महोत्सव में बहुत आनंद से मजे लिए और अभी राजी खुशी हम लोग 9 दिन तक इनकी पूजा सेवा अर्चना की है। अब उसके बाद में आज सभी नाचते गाते हंसते खेलते मुस्कुराते हुए सभी यार मित्र बंधुओं के साथ हम जा रहे हैं गणपति बप्पा को निमज्जन करने के लिए और उनको विदाई देने के लिए। अब यही मंगल कामना है कि जितना जल्दी हो सके ये कोविड का जो भी चल रहा है आज हमारे संसार में, वो बहुत जल्दी सब कुछ दूर हो जाए, बस यही कामना करते हैं गणपति बप्पा से। और यही हम अर्जी लेके आज गणेश जी महाराज का विसर्जन करने जा रहे हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। भाई ये पारधी समाज का गणेश है, पिछले 70 साल से ये गणेश बिठाते, ये नामपली के राजपड़ल मुरलीधर बाग और ये रामकृष्णा कमान के सामने से गणेश का यात्रा ये निकालते। ये शोभा यात्रा पूरे तेलंगाना स्टेट में कहाँ भी नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट को एक ही है कि थोड़ा हमारे को कॉर्पोरेट करो और हमें पिछले 70 बरस से गणेश निकालते और हमारे मुस्लिम भाई को सबको मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग हंसी खुशी से शोभा यात्रा में रहना, कोई लड़ाई पंचायत नको भाई, प्लीज रिक्वेस्ट हंसी खुशी से ये गणेश का शोभा यात्रा रहना। हम लोग ये पिछले 70-80 साल से निकालते, आज तक सेम रूल सेम लेते। बोल गणेश भगवान की जय। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सालों बाद हमको ऐसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जुलूस में आए हैं हम लोग और पिछले साल आई थिंक 2 ईयर्स बैक से कुछ भी नहीं हो रहा था, अब बिल्कुल नहीं है कोरोना और हर फेस्टिवल ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। 2 साल से ऐसा उड़ीक रहे, 2 साल से हमने इंतजार किया भगवान गणेश का विसर्जन के लिए, तो आज वो दिन हमें आखिर मिल ही गया। बोलो गणेश भगवान की जय। ये साल गणेश विसर्जन बहुत अच्छा हो रहा है। दो साल से कोरोना के कारण गणेश विसर्जन हुआ नहीं था, इस साल बहुत जोर शोर से हो रहा है और भगवान की कृपा से बहुत शानदार भी हो रहा है। अब ये भीड़ तो देख के लग रहा है कि कोरोना नहीं है, कोरोना गायब हो गया सब दुनिया से, हैदराबाद से तो गायब हो गया ऐसा लग रहा है। आप भी कुछ बोलिए मैडम। ये धूलपेट रहीमपुरा डिवीजन का गणेश है, हम हर साल बिठा रहे, 25 साल से गणेश ये बिठा रहे, आज हमारे को बहुत अच्छा दिख रहा है। ये कोरोना महामारी जाना बोल के हम ये गणेश बिठाए, ये कोरोना महामारी जाना, सब सुकून से रहना, पूरे अच्छे रहना। जय बोल गणेश महाराज की। गणपति बप्पा मोरिया। अबकी बार 2022 में धूमधाम से मनाया जा रहा, पिछले साल कुछ भी नहीं बनाया गया था, यार ग्रैंड निकाला जा रहा है कि आप देख रहे हैं। अभी जो टैंकमेंट का हमें परमिशन नहीं मिला था, परमिशन मिल गया, इतनी बड़ी खुशी हो रही हमको कि ये हाईकोर्ट के सामने का घासी बाजार।
लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप हुसैन आलम कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप। हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तियाब है। हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जन प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं। हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074933985054110120। हुसैन आलम कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।